अस्सलाम वालेकुम। आज हम जैसे सर्दी पड़ रही है उसकी मुनासिबत से हम आज आपको मछली के ऊपर मसाला स्पेशल तरीके से लगाना सिखाएंगे और इंशाल्लाह इसके लिए मेरे उस्ताद आए हुए हैं और वो बाजार से बिल्कुल हटकर और एक मुनफरद जायका होगा। तो आए स्टार्ट करते हैं, पहले आपको मिलाते हैं हम अपने हाजी मुश्ताक साहब से। ये मेरे उस्ताद हैं जी, हाजी मुश्ताक साहब। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी। और ये हम मछली को मैंने धोया हुआ है, ये 50 ग्राम जो है इसमें हरी मिर्च और 50 ग्राम ही तकरीबन उसमें लहसुन है जो हमने अच्छी तरह पीस लिया है। अब इसको ये हम इसमें शामिल कर रहे हैं। मछली हमने पहले अच्छी तरह धो ली थी और सिरका भी लगा दिया था और आप देख रहे हैं कि मछली कितनी खुश्क हुई पड़ी है, तो ऐसे ही करनी है। अब ये हमने नींबू का रस निकाला हुआ है, आठ हदल नींबू का रस। हाँ तकरीबन 8 हदल नींबू का रस है जी ये, और इसमें इसका फ्लेवर और जायका बहुत कमाल हो जाता है। और नमक जो ये हसबे रूते, ये मछली कितनी है, ये 5 किलो 5 किलो मछली थी और इसमें नमक डाल रहे हैं हम तकरीबन 2 चम्मच, क्योंकि 2 चम्मच नमक डाल रहे इसमें हैं। को नमक पहले पहले भी भी लगा होता मछली लगा को, होता इसलिए है। हम नमक जो है कम डाल रहे हैं, तो आप बाकी अपने जायके के मुताबिक नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह फिर मिक्स कर देना है ऐसे। अच्छा, ये अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं भाई साहब। और कमाल का जायका आने वाला है इंशाल्लाह ताला। आप जब इसको पूरी ट्राई करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। हम तो काफी दफा इनके हाथ की मछली जो है हम खा चुके हैं, तो आज आपके लिए स्पेशल इनको बुलाया गया है। सर्दी में जो है ये मछली का जो है ना आइटम, ये बहुत शानदार आइटम होता है, लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ये हड्डी वाली बोटी में हमने कट लगाया हुआ है, तो उसके अंदर तक वो मसाला जो है ऐड कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। अब इसको हम तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसको यहाँ इसको रख देंगे ताकि अच्छी तरह मसाला रचमच जाए, और हम आपको अब बाकी मसाले दिखाते हैं जो हमने कौन कौन से डालने हैं। हाँ, ये 3 चम्मच अजवाइन डाल रहे हैं भाई साहब। तीन चम्मच चाट मसाला, ये चाट मसाला है जी 3 चम्मच। तीन साढ़े तीन चम्मच है, 3 चम्मच। और थोड़ा सा फालतू पड़ा था वो भी डाल दिया है, 3.5 चम्मच हो गया ये तकरीबन। तो आप 3 चम्मच ही रखें। पीसा धनिया, पीसा धनिया जी, पांच चम्मच पिसा धनिया। ये 5 किलो फिश दी, आप ये इस चीज का ध्यान रखें। कुटी मिर्च, अब 5 ही कुटी मिर्च। और ये सफेद मिर्च डाल रहे हैं जी 1 चम्मच, तकरीबन 1 चम्मच। हल्दी, और ये हल्दी है जी 2 चम्मच। और ये गरम मसाला, इसमें जीरा वगैरह हर चीज मिक्स है, ये तकरीबन तमाम आइटम इसमें गरम मसाले में 2 चम्मच। दो चम्मच अब आप इसमें 200 ग्राम ये बेसन, 200 ग्राम बेसन है जी इसमें डाल रहे हैं। अब इसको मिक्स कर रहे हैं, ये सारा हिस्सा मिक्स कर रहे हैं इसको अच्छी तरह। अब जी एक एक पीस के ऊपर हम आप मसाला लगाएंगे, ये अच्छी तरह उसको कोटेड करेंगे, फुल मसाला लगाएंगे।
ये हमारा तकरीबन मसाला जो है लग चुका है, थोड़ा बहुत मसाला बढ़ जाएगा तो अगली मछली पे काम आ जाएगा। लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं, अगर कोई ज्यादा पसंद करे तो ये सारा अच्छी तरह डीप करके उसको लगा भी सकते हैं आप। मगर थोड़ा ये बढ़ गया तो ये अगली मछली पे काम आ जाएगा। और ये देखिए अच्छी तरह मसाला लग गया, इसको अब हम फ्रीज कर देंगे 24 घंटे के लिए फ्रीज करना है इसको, इसका टेस्ट लेने के लिए जो है। ये हमारा मसाला जो है ये देखें कितना शानदार तरीके से मछली में जज़्ब हो गया है और बड़ा इसका कलर आया बेहतरीन। तो अब इसकी हम फ्राई करने जा रहे हैं। आज ये जो शोर है ये इस चीज़ का शोर है, आजकल गैस नहीं है हमारे पास तो हमने ये चूल्हा स्पेशल इस काम के लिए मंगवाया है। चलें शुरू करते हैं। जी बच्चे फ्राई करते हुए हल्का हल्का इसमें ये आटा मार दें ताकि अच्छी तरह इसमें आयल जो है वो जज़्ब हो जाए और पकाई सही हो जाए इसकी। इससे आपको इसका कच्चापन भी पता चल जाएगा। हमारी फिश जो है ये तकरीबन तैयार हो चुकी है।